कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण चीन और अमेरिका में तल्खी बढ़ती जा रही है। दोनों के रिश्ते और तल्ख होते जा रहे हैं। अमेरिका ने जहां चीन से आने वाली उड़ानों पर 16 जून से पाबंदी लगाने का फैसला लिया है, तो वहीं चीन ने भी जवाब में गुरुवार को बताया कि वह अमेरिका से आने वाली फ्लाइट्स की संख्या को सीमित करेगा। चीन ने गुरुवार को कहा कि वह कोविड-19 के डर से फिलहाल देश में ऑपरेट करने से रोकी गई विदेशी एयरलाइनों को सीमित उड़ानों की ही अनुमति देगा, जिससे अमेरिकी कंपनियों पर लगा प्रतिबंध भी हट जाएगा। चीन के सिविल एविएशन अथॉरिटी द्वारा यह कदम वाशिंगटन द्वारा सभी चीनी जहाजों को 16 जून से अमेरिका से आने और जाने में प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद जवाब में उठाया गया है। बताते चले कि बीजिंग अमेरिकी विमानों की चीन की सेवा फिर से शुरू करने की अनुमति देने में विफल रहने के बाद अमेरिका ने मंगलवार को चीनी एयरलाइंस द्वारा सभी उड़ानों को स्थगित करने और देश के बाहर जाने का आदेश दिया था। अमेरिकी परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा था कि US कैरियर्स ने 1 जून से यात्री सेवा फिर से शुरू करने को कहा है। उनके अनुरोधों को मंजूरी देने में चीनी सरकार की विफलता हमारे वायु परिवहन समझौते का उल्लंघन है। कोविड-19 संकट के बीच और 2 साल के व्यापार युद्ध के मद्देनजर यह मामला दुनिया की 2 सबसे बड़ी अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते मनमुटाव को जोड़ती है, जो पूरी तरह से हल नहीं हुई है। वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़े तनाव का एक यह भी रिजल्ट है।